हल्का सा इस साइड से बाहर आके लीक हो गया तो पूरा एयर। तो अभी एक बार फिर से महाराष्ट्र में आपका हार्दिक स्वागत। शुभांग, ये देखो मेरे को यूट्यूब पे देखा था, देखे थे यूट्यूब पे कितना वीडियो देखे हो मेरे। आ गया भाई अपना पार्सल, वो बंदा उधर से अपने को। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है 13 मार्च और हम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे रुके थे। जैसा आपने देखा अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, अभी मैं निकला नहीं हूँ और एक प्रॉब्लम आ गया है। साइकिल का अंदर का ट्यूब हल्का सा इस साइड से बाहर आके लीक हो गया तो पूरा एयर। तो अभी अभी तो निकल नहीं रहा है, फिर कोई शॉप होता है तो इसको बनवाते हैं, नहीं तो फिर मेरे को प्रॉब्लम कर देगा। और हमको वहाँ भी पहुँचना है, कोल्हापुर भी पहुँचना है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि यार उधर लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ फटाफट निकलते हैं। अगर कोल्हापुर तक चल जाएगा, 15 किलोमीटर है यहाँ से कोल्हापुर, अगर कोल्हापुर तक चला जाएगा तो फिर उधर ही मैं इसका टायर भी चेंज करा दूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। आ गए हाईवे पे, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग हर हर महादेव का नाम लेके। थोड़ा थोड़ा लीकेज कर रहा है, देखते हैं। इधर अभी तो शॉप नहीं है, पूरा हाईवे है, आगे देखते हैं कोई मार्केट है तो इसको सही करवाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। एक बार फिर से महाराष्ट्र में आपका हार्दिक स्वागत। और भाई अब साउथ सेक्शन क्रॉस, अब आराम से लैंग्वेज का नहीं कोई प्रॉब्लम, ना खाने का प्रॉब्लम। देखते हैं, महाराष्ट्र में पहले दिन नाइट का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, अभी देखते हैं डे का क्या एक्सपीरियंस होता है। पहले साइकिल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। 10 किलोमीटर और बचा है कोल्हापुर और कुछ इतना खूबसूरत नज़ारा। अभी तो अप है, पैदल ही चल रहा हूँ और इतना भाई खूबसूरत जंगल, ऐसे खूबसूरत लोकेशन के साथ महाराष्ट्र का मेरा ये पहला दिन। तो चलिए चलते आगे। गर्मी है भाई, मौसमी का जूस पीने के लिए भाई के पास रुक गए हैं। तगड़ा बनाओ भाई और पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। कोल्हापुर 5 किलोमीटर है और उससे 1-2 किलोमीटर पहले ही हॉस्पिटल है, जहाँ पे मैं उनको ऑर्डर किया है कैब का। लोकेशन अभी तो कॉल नहीं आया, फिर चलते हैं वहाँ पे कॉल करेंगे, तो उनका वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। 28 हॉस्पिटल में हम पहुँच चुके हैं और उनसे बात हुआ है, वो 2 बजे के आसपास आएंगे, तब तक मैं इधर ही उनका वेट करूँगा। और कुछ भैया आ गए तो भैया इधर बात कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भैया मोटिवेट करने के लिए मेरे को। क्या नाम है तुम्हारा? इरफान। तुम्हारा? शुभांग। ये देखो मेरे को यूट्यूब पे देखा था, देखे थे यूट्यूब पे कितना वीडियो देखे हो मेरे? 5-6 देखे हो, चलो पहचान गए, वही बहुत है। तो भाई ने मेरे को यूट्यूब पे देखा है, पहचान गए, तो इधर बात करते हैं। अभी उनका वेट कर रहे हैं, 2 बजे के आसपास मेरे को टाइमिंग दिए है, आते हैं फिर लेके फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी 2 बज रहा है और 2 बजे बोला था आने को, तो अभी कॉल किया है तो किसी नीचे सिटी साइड से आ रहा है, तो मैं उसको लोकेशन बताया इधर आने को, तो भाई साइकिल हमारी उस तरफ है, इधर आ भी नहीं पाएंगे, तो साइकिल छोड़ के जाना भी सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मैं उससे बोला, रिक्वेस्ट किया, देखते हैं आता है कि नहीं, आ जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। यहीं पे वेट कर रहे हैं और साइकिल मेरा ठीक उस रोड के अपोजिट साइड में वहाँ पे खड़ी है, जहाँ पे थी और हॉस्पिटल वहाँ पे है, वो शायद उसके कहीं पीछे से आ रहा है, जल्दी से आ जाए। आ गया भाई अपना पार्सल, वो बंदा उधर से गया बहुत जल्दी में था। चलते हैं रोड के उस तरफ, उसके बाद करते हैं अनबॉक्सिंग, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये कुछ इस तरह से बॉक्स में है, इसको फटाफट ओपन करते हैं। देखो ये छोटा, बस इतने लोगों, यही देखो, बाय बाय कर दो सब लोग अपने को। कुछ इस तरह से US पोलो का कैप है और क्वालिटी तो अच्छा लग रहा है, यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, सबको बाय 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 बाय। 4 बज गया भाई, यहाँ से कहीं चाय पियेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। तो आज तो ज़्यादा साइकिल नहीं चला पाए हैं कैब के चक्कर में, वैसे कैब कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्वालिटी अच्छा है, देखते हैं कैसा चलता है। तो चलिए निकलते ही, जैसे चाय पीने के लिए रुक गए हैं। अब यहाँ से 320 किलोमीटर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, अभी 5:30 बज रहे हैं, 6 बजे के आसपास उसके ले लेंगे चाय पी के, फिर यहाँ से देखते हैं स्टे करेंगे। शाम का बज गया है 7 और अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा दिन है और ये है HP पेट्रोल पंप। भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया था, पेट्रोल पंप है, इस पर ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। तो इधर ढाबा भी है जस्ट बगल में, तो खाना मसाले में भी बात नहीं किया, तो पेट्रोल पंप पे बात करते हैं, देखते हैं स्टे का मिलता ही नहीं। और उसके बाद अभी रुक गया, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और फ्रेश हो, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी के अपने आप को
चार्ज करते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। फटाफट हालत एकदम ख़राब हो गया भाई, रोड इतना ज़्यादा इस पर ट्रैफिक है इस रोड पे कि पूछो मत। अब देखते हैं पुणे तक क्या कंडीशन होता है। तो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। फाइनली भाई कोल्ड ड्रिंक पी के आ गए अपना नाइट स्टे एचपी पेट्रोल पंप पे। इधर टेंट लग चुका है और जस्ट बगल में आपको दिखाया था ढाबा है। तो चलते हैं खाना खाने, खाना खा के आके फिर सो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं ढाबा, मिलते हैं आपसे। आ गए इधर ढाबा पे, तो पनीर मसाला और रोटी ऑर्डर किए, अभी आता है तो दिखाते हैं, फिर खाना खा के फिर सीधा टेंट पे चलेंगे। खाना आ रहा है तो उसके बाद आपको दिखाते हैं।